काफ़ी अंधेरा लगेगा, तो सब झूला वगैरह सब देखिए अभी रात को ही लग गया है। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग राधे राधे। तो देखिए हम हैं किचन में और मम्मी बना रही है मेरा मनपसंद फूड, वो है फास्ट फूड है पास्ता। पास्ता मैगी मैक्रोनी मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन उतना भी नहीं खाना चाहिए जो सेहत को हानिकारक पहुँचे। तो मम्मी से कह रहे हैं बाल बांधने के लिए, मम्मी अभी बना रही हैं तो बना लेंगी तो मम्मी बाल बांधेंगी। हेलो नमस्ते राम राम राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? तो देखा भैया 7 बजे वाला है, अनु का वैन आने वाला है, तो अनु के लिए हम टिफिन तैयार कर रहे हैं, साथ में तैयार करना होगा खाना, तो बना रहे हैं। इनका भाई मन पसंद है, इनको अगर खाना ना दे के मैगी दे जाए, पास्ता दे जाए और मैक्रोनी दे जाए, तो आलतू फालतू चीज़ दे जाए तो दिन भर खाएंगे अपना, तो हम बनाते नहीं हैं, कभी भी नहीं बनाते हैं। 2-3 महीना 4 महीना में कभी काल एक आध बार बस बना देते हैं, मतलब समझ लीजिए कि स्वाद खाली चेंज करने के लिए। नहीं हम ये सब चीज़ फालतू नहीं बनाते हैं, हमारे खेतों में इतना साग तरकारी है अपना, उसी में सब कुछ बनाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ बनाते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं, इतने दिन से आप देख रहे हैं, लेकिन आप देखे हैं कि हम कई बार मैक्रोनी बनाए हैं, कई बार पास्ता बनाए, कई बार मैगी बनाए, देख ही रहे नहीं बनाते हैं, जो बनाते हैं सामने बनाते हैं जो है। तो पहले अनु को तैयार कर लें, अनु चले जाए स्कूल, तबीयत ठीक नहीं है, हमारा हिम्मत नहीं काम कर रहा है, कुछ करते का धीरे धीरे खाना वाना बनाते हैं, धीरे धीरे घर गृहस्थी का काम करते हैं। आज जाएंगे दवा लेने, तो दवाइये जो है शाम को मिलेगा 5 बजे के बाद, और जहाँ दवा लेने जाएंगे वो बहुत दूर है। तो देखिए जी सही से बना गया ना बैग वैग सब ठीक है ना? बैग वैग सब कॉपी किताब सब भर लिए से? सब भर लिए। कहाँ भरी? पानी भर दे पकड़ा। लक्की कहला बहन गई है नरियोआ पर, वो कह रही थी कि यहीं पे बहन बहन खड़ी है। झूठ बोले मारा उसे तो जाके। अरे अनु बाय तो बोल जा। कल की कल की तू कब तैयार होगो? बस चला थी। अनु का बहन कहाँ गया? किधर है? अच्छा इधर गया। बाय शिवम। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं छत पे और ये वक्त बज रहे हैं 11, तो बहुत तगड़ा धूप है, नीचे का सब बर्तन वर्तन धुल लिया, साफ सफाई सब करके हम आ गए हैं। तो ये जो हम मूंग है इसको धूप में डाल देते हैं, आज तीसरा दिन हो गया है, देखिए मूंग को धूप में डालने जा रहे हैं, ये भाई सूखा नहीं है, हमको इसका दाल बनाना है। तो चलिए फटाफट से पहले इसको जो है धूप में डाल देते हैं, और बता दें आज हमको दवाई के लिए भी जाना है, तो अभी नीचे भी औरों भी काम है, कल का चावल दराया है ना वो रखना है, तो बताएंगे कौन पहले हम आज काम करें, कैसे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत सारा काम है, हमको जाना भी है निकलना भी है दवाई को शाम को, वैसे तो सारा काम निपटा रहेंगे तब ना जाएंगे। तो भैया 3 दिन हो गया हमको है मूँग सुखवाते हुए, अभी सूखा नहीं है, कहे थे कि ये जो बीच बीच में बदरी हो जा रहा है ना इसकी वजह से देखिए सूख नहीं रहा, ऐसे तो मूँग 1 दिन में सूख जाता है, 3 दिन हो गया है, अब दिमाग ख़राब हो रहा है, कहे थे कि सिर्फ मूँग के ही पीछे नहीं पड़ना, अभी तो मेरा बहुत सारा काम बाकी है, अभी तो बारिश में जो उड़द बोए थे खेतों में अभी वो सब ऐसे ही रखा हुआ है, तो अब थोड़ा दिन बड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे समय मिलेगा तो ये सब करेंगे। हम लोग को अब समझ लीजिए कि जो खरीद के लाते हैं उनके लिए कितना आसान है, और हम लोग को देखिए घर का है तो कितना मेहनत करना पड़ जा रहा है इसको तैयार करने में। चलिए इसको डाल देते हैं, और ये देखिए ये है ड्रम जो चावल दराए हैं, तो उसको जो है ओसा के और देखिए ड्रम में रखना है, तो ये हमारा चावल वाला ड्रम है, तो इसको साफ करके इसको धूप दिखा देंगे तब तो इसमें हम चावल रखेंगे, तो इसलिए इसको देखिए बाहर हम धूप में 3 दिन से रख दिए थे कि बढ़िया सा इसमें धूप वगैरह लग जाए, तो अब इसको जो है देखिए झाड़ उड़ के बढ़िया सा रख के चले जाएंगे, तो आएंगे तो फिर अब कल करेंगे, लेकिन आज इसको साफ़ सुथरा करके घर में रख दें।
तो सब चीज़ का देखिए व्यवस्था करना होता है, हम लोग को स्टोर करना होता है अपने घर का है, गेहूँ घर का, चावल घर का, चना मूंग तीसी तिलहन सब जो होता है उसे हम स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग को जब आवश्यकता होती है तब उसका यूज करते रहते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग को बहुत जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बहुत ज़्यादा चावल नहीं रखती हूँ, बस इसी ड्रम भर के हम चावल रखते हैं और इसी से पूरा एक साल हमारा जो है खर्चा चल जाता है। तो इसको बढ़िया से झाड़ के हम जो है इसमें ऐसे धूप में रख के चले जाएंगे, आज के दिन इसको और अच्छे से धूप लग जाए। तो भैया देखिए इस वक्त 3 बज गए हैं और हम चल रहे हैं अपने गाय को चारा पानी देने, और उसके बाद इनके अनु लकी के पापा की स्कूल की छुट्टी हो गई होगी तो वो आते होंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं बनारस की तरफ दवाई के लिए, आज हमको दवा लेने जाना है। तो जहाँ जाएंगे वहाँ शाम को डॉक्टर 5 बजे के बाद से बैठते हैं। तो चलिए फट से जो है देखिए भाई लकी आ गई है स्कूल से, और आते ही देखिए इसने जो है गाय को पानी डाल दिए हैं, तो मैं चल रही हूँ उसको चारा जो है नाद में डाल देने, और उसके बाद फिर फटाफट से तैयार होंगे। तो भाई देखिए अब हम निकल रहे हैं दवा लेने के लिए, चल रहे हैं, शाम का समय हो गया है, 4 बज गया है। तो बच्चे तो सब चले गए हैं कोचिंग, हम आएंगे तो उसको अपना जो है यहाँ का देखेंगे, हम तो चल रहे हैं देखते कब तक लौटते हैं। तो दोस्तों देखिए हम दरअसल आ गए हैं अपने नए घर, क्योंकि हमको जो दवा लेना है वो लेना है हमको यही बनारस में, जहाँ पर हम दवा लेकर गए थे वो हमारे जो मायका है, हमारा जो घर है मम्मी का, वो घर के जस्ट सामने एक हॉस्पिटल है होम्योपैथी का, तो वहीं से हमको दवाई लेना है। तो अभी वहाँ डॉक्टर आएंगे 6 बजे, हम वहाँ से पता करके आ गए हैं। तो हम चले आए हैं इस नए घर पे थोड़ा यहाँ देखने कि देखें यहाँ सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो फिलहाल ये हम चला दिए हैं मशीन, थोड़ा सा ये सब थोड़ा देख रहे हैं साफ़ सफाई कर दें, तो जब तक समय है तब तक थोड़ा साफ़ सफाई यहाँ का कर दें तो फिर चलेंगे। तो देखिए इतना यहाँ धूल गर्द सब जम जाता है ना कि का बताया जाए। तो ऊपर टंकी में पानी नहीं है, तो हम सोच रहे थे पानी भी ऊपर टंकी में भर दें और थोड़ा सा ये सब जो है थोड़ा सा साफ सुथरा कर दें। तो दोस्तों देखिए हम अपने ये नए घर में आए हैं, और बता दें मेरे इस नए घर में एक प्रॉब्लम है, मेरा जो ये पानी है ना जो हमने समरसेबुल लगवाए हैं जो बोरिंग करवाए हैं वो पानी सही नहीं आ रहा है, पानी में महक आ रहा है, तो दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या करें। मैं इसकी एक बार सफैया भी करवा चुकी हूँ फिर भी देख रहे हैं, और हमने पानी में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सब डाल के भी देख लिए हैं, बट इसका महक नहीं जा रहा है, तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी सीवर से इसका कनेक्ट हो चुका है, तो बहुत मन करता है नए घर में आने के लिए, लेकिन बस पानी का सुन के ही जैसे मन उदास सा हो जाता है। बड़े जोश शोर से आए थे, मशीन चलाए हैं, नीचे सब साफ सफाई कर रहे थे ना, तो इतना जो है उसमें से इतनी महक आ रही थी कि मन जैसे घृणित हो गया एकदम से, अब मन नहीं कर रहा है यहाँ रहने का, और कि बस यहाँ से चले। तो देखिए अब कुछ अलग से दिमाग लगाते हैं कि इसका जो है क्या उपाय किया जाए, इतना बढ़िया इतना महंगा घर तो बन गया लेकिन एक कमी यही जो है खल रही है, पता नहीं का है गंगा मैया हमसे नाराज़ हैं का जो है पानी सही नहीं हो पा रहा है।
तो चलते हैं, शाम हो गया है, वैसे भी 6 बजे 6 बजने वाले हैं, तो डॉक्टर आ ही गए होंगे, तो चल रहे हैं हम दवा लेने। अब इसको यहाँ पे बंद करते हैं, ताला मारते हैं, अब इसके बारे में कुछ सोचें तभी जो है कुछ निर्णय ले पाएंगे। वैसे मेरा बेटा गर्मी में यहाँ आके रहने वाला था, यहाँ हम किचन में देखिए सब वो गैस चूल्हा बर्तन वगैरह सब ला कर रख दिए थे, और बेटा मेरा गर्मी में आके यहाँ रहने वाला था, लेकिन तो इसकी वजह से अब मन जो है समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कोई व्यवस्था करें तो फिर जो है बारे में सोचे। तो दोस्तों देखिए हम जा रहे थे घर, तो यहाँ रुके हैं, ये रास्ते में हमारे जहाँ मकान बना है हमारा घर है यहाँ पे कर्दमेश्वर महादेव जी का मंदिर है ना, तो देखिए ये रास्ते में ही पड़ता है, तो पीछे देखिए ये कर्दमेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो कल शिवरात्रि है, तो आज से ही भीड़ जो है लग गया है, तो गए हैं अनु के पापा दर्शन करने। मैं कैमरा बैक करती हूँ, यहाँ बहुत सारे बंदर रहते हैं, और देखिए सब बंदर भी इधर ढेर सारे हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कर लिए दर्शन, तो देखिए यहाँ कितना जो है मंदिर में भीड़ लगा हुआ है, और देखिए ये ढेर सारे बंदर हैं। तो देखिए लोग रात से ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने लगे हैं, और देखिए यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं, ढेर सारे बंदर, क्योंकि रात हो चुका है। मुझे डर लग रहा है कई ये लोग मेरा मोबाइल ना छीन ले, बहुत शरारती तो होते ही हैं। हम तो चल रहे हैं भैया, डॉक्टर आ गए होंगे। कल यहाँ पे मेला लगेगा, तो सब झूला वगैरह सब देखिए अभी रात को ही लग गया है। हेलो, अरे मन्नू बोला था ना, तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं घर, और घर आते ही पता लगा शिवम गया है पूड़ी खाने, माने बगल में शादी है तो वहाँ गया है शिवम भोज खाने, और लकी हमारी जो है पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है। और देखिए ये पीछे अनु है, अनु आते वक्त हम इन लोगों के लिए समोसा लेते आए थे, तो खाओगी समोसा खाओगी? हाँ। तो लिया हम उतर खा लिया, तो चल रहे हैं खाना खाने, इनके पापा भी गए पूड़ी खाने, तो बस खाली ये हम औरतें रह गए हैं, अम्मा खा के सो गई, बस यह अन्नू लकी और हम हैं, तो अन्नू लकी भी खाना खा चुकी हैं, तो ये लोग खाएंगे समोसा, और हम तो खाते हैं पत्ता गोभी का सब्जी रोटी, देखे कैसे लकी हमारी बनाई है। आते आते काफ़ी जो है रात हो गया, बहुत ठंडा लग रहा है, तो है देखिए ये पत्ता गोभी की सब्जी है, ये पता नहीं कौन डिज़ाइन से लकी बनाई है जो है, अब इसको चखे तो समझ में आए कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम भी खाना पीना देखिए खा लिए हैं, और शिवम भी आ गया है, इनके पापा भी आ गए हैं पूड़ी खाकर, तो यानी भोज खाकर, तो चलते हैं अब सोने। अनु लकी भी देखिए सो गई हैं, हम थोड़ा सा यही न्यूज़ देख रहे थे, ये आजकल जो ये रसिया और यूक्रेन का जो ये युद्ध चल रहा है यही देख रहे हैं। चलिए अच्छा दोस्तों रखते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे, उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा। तो कल है महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, टेक केयर, आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बाय, गुड नाइट।